दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, जो डिज़ाइन के मूल तत्व हैं, उनके बारे में जाना था। हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था किस प्रकार से हम लकीर, जो कि रेखा है, उसको, लाइन को हमने देखा था टेक्सटाइल के माध्यम से, और आपने हमें लिखा भी था उस बारे में। और फिर उसके बाद हमने शेप की बात की थी कि किस प्रकार से शेप जो है डिज़ाइन को अफेक्ट करता है, और फिर उसका भी अध्ययन आप लोगों ने किया और हमें लिखा। हम इस वीडियो में समझना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से जो स्पेस है, वो एक दूसरा एलिमेंट है, मूल तत्व है डिज़ाइन का, वो स्पेस किस प्रकार से डिज़ाइन को अफेक्ट करता है। तो स्पेस है क्या, पहले हम जानने की कोशिश करें कि स्पेस का क्या मतलब है। स्पेस का मतलब है जगह। तो आप देखेंगे कि मैं इस दीवार का इतना हिस्सा, जितना मैं खड़ा हूं, इतना हिस्सा ले रहा हूं, ये मेरा स्पेस है। और मेरा स्पेस हमेशा इसके संतुलन में रहता है। मतलब जैसे आप डिजाइन करते हैं तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कितना जो है उसमें हम स्पेस दे रहे हैं, कितनी हम जगह छोड़ रहे हैं, ताकि डिजाइन पे हमारा जो जो फोकस है, जो हमारा हमारा फोकस है, वो कैसे बना रहे डिजाइन में। तो अगर मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा। और इसमें मूलतः हम स्पेस में मूलतः चार तरह के स्पेस की बात करेंगे। जो पहला स्पेस है वो है नेगेटिव स्पेस। तो नेगेटिव स्पेस का क्या मतलब होता है? नेगेटिव का मतलब होता है कि नकारात्मक, लेकिन नकारात्मक का मतलब वो नहीं है जो हम आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन में नकारात्मक का मतलब ये होता है कि अगर मुझे आप देखें तो मैं जो हूं वो पॉजिटिव स्पेस है, मैं जो हूं वो पॉजिटिव है, और जो मेरे पीछे का दीवार है वो नेगेटिव स्पेस है। मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, वो खाली है। तो इसी प्रकार से अगर हम आपको टेक्सटाइल के माध्यम से इसको समझाना चाहें अभी के अभी, तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं। आप इस टेक्सटाइल को देखें अगर आप, तो इसमें जो डिजाइन है वो डिजाइन आपका पॉजिटिव है, और ये जो आपके पास अलग चीजें हो रही हैं, ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव जो है वो इस डिजाइन को ज्यादा उभार दे रहा है। अगर ये नहीं होता, मान लीजिए ये सब एक तरह का होता, तो ये डिजाइन नहीं दिखता हमें। ये डिजाइन दिख इसलिए रहा है क्योंकि यहां पर हमारे पास एक नेगेटिव स्पेस है, और वो स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये डिजाइन ज्यादा ज्यादा दिख रहा है हमें, ज्यादा से ज्यादा दिखता है। उसी प्रकार से हमें उसी चीज को आप पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए इस चीज को देखिए आप, इसमें क्या हो रहा है आपको, ये दो चीजें हैं जो दोनों बहुत ही सिमिलर चीजें हैं। इसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखें इस डिजाइन में जो वाइट था, जो सफेद हिस्सा था हमारा डिजाइन का, वो इसमें काला हो गया है, और जो इसमें काला हिस्सा था वो सफेद हो गया है। तो इस प्रकार से हम डिजाइन को समझते हैं, इस प्रकार से हम नेगेटिव पॉजिटिव स्पेस को समझते हैं। पॉजिटिव स्पेस जो है हमारा दूसरा प्रकार है स्पेस का। तो इस तरह हम इसको एक दूसरे के रिलेशन में समझते हैं, हम कभी भी इसको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। नेगेटिव जो है और पॉजिटिव स्पेस जो है वो आपस में हमेशा मिले हुए हैं, एक दूसरे से वो संतुलन में काम करते हैं, और वो एक दूसरे से पारंपरिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो स्पेस जो हम पढ़ रहे हैं उसका तीसरा प्रकार जो है वो 3D है। 3D का मतलब क्या होता है? तीन। तीन मतलब लंबाई, चौड़ाई और गहराई, और D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है उसके आयाम, जो चारों तरफ से दिखता है आपको। जैसे मान लीजिए आपने शेप पढ़ा था अभी, हमने शेप जब पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कि ये जो है वो चौकोर है। जब आपने चौकोर पढ़ा था तो उसमें ये फ्लैट है, ये बिल्कुल एक सतह पे दिख रहा है, इसमें कोई आपको गहराई का एहसास नहीं हो रहा है, लंबाई का एहसास नहीं हो रहा है, चौड़ाई का एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें लंबाई और चौड़ाई का एहसास देने के लिए एक और ऐसा ही एक चौकोर ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करके हम इन लाइनों को ऐसे मिला देते हैं, जिससे हमें एहसास होने लगता है कि ये जो है एक चौकोर चीज है, जिसमें एक लंबाई, चौड़ाई और गहराई दोनों है। तो इस प्रकार से हम 3D चीजों की रचना करते हैं। तो ये अभी भी आप अगर देखें तो इस बोर्ड पर ये फ्लैट है, मतलब एकदम चिपका हुआ है, इस पे कोई उठाव नहीं है, लेकिन आपको एक उठाव का, उभार का एहसास हो रहा है। वो एहसास ही जो है वो 3D है हमारे लिए यहाँ पर, और उसको हम इस्तेमाल बहुत तरीके से टेक्सटाइल में करते हैं। जब टेक्सटाइल में हम ऐसी सारी चीजें करते हैं जिससे वो आभास देता है कि वो 3D है। जो हमारे पास स्पेस का चौथा एग्जाम्पल है, चौथा प्रकार है, वो है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है? जो हम
कोई भी डिज़ाइन करते हैं उसमें एक हमारे पास कैनवस होता है, एक हमारे पास जगह होती है, उस जगह में हम कितना दूरी पे क्या रख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पे अफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। अब आप जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि ये एक कपड़ा है, ये एक स्टोल है, इस स्टोल में हुआ क्या है, इस स्टोल में हमने इस पूरे एरिया को वाइड रखा है जिससे इम्फेसिस जो है, जो ज़्यादा ध्यान आपका यहाँ पे आकर्षित हो रहा है। अब आप इसको अगर मैं फैला दूं चारों तरफ, इसको अगर मैं हर जगह पे दे दूं, तो आपका ध्यान यहाँ पे केंद्रित ना रह करके पूरी कपड़े पे केंद्रित होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जब हम डिज़ाइन करें तो हम देखें कि अपने पास जो स्पेस है उसको हम किस तरीके से, किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस डिज़ाइन की खूबसूरती इसी बात में है कि इसे हमने दो पल्लू के एंड पे रखा है, एक इस पल्लू पे और दूसरा इस पल्लू पे, और बीच में ये पूरा खाली है। इसी की वजह से इसकी सुंदरता में ज़्यादा जो है असर पड़ रहा है। तो इस तरह से हम वाइट स्पेस का, जो सफ़ेद स्पेस है, जो हमारे पास स्पेस है, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो है वो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन का एक और तत्व स्पेस यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपको क्या करना है, आपके लिए एक्सरसाइज ये रहेगी कि आप जाएंगे घर दोबारा और दोबारा अपने आसपास हर जगह पे घर में देखेंगे कि किस तरीके से स्पेस, किस तरीके से 3D चीज़ें आपको दिखती हैं, किस तरीके से आपको जो है नेगेटिव पॉजिटिव दिखता है, ये सारी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने के बाद आप और वीडियोज़ भी देख सकते हैं, दूसरी आप जा करके यूट्यूब पर दूसरी वीडियो का भी अध्ययन करें, और फिर उसके बाद आप हमें इस ईमेल आईडी पर वो भेज सकते हैं फोटोग्राफ्स जो आपने कलेक्ट की है, जो आपने लिखा है या आपने जो ड्राइंग की है, और आप इस नंबर पर भी भेज सकते हैं हमें, और इसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे। धन्यवाद।